everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So in this video, we are going to discuss about how to complete your math syllabus in 1 month. तो अभी आपके पास सिर्फ एक महीना है and hardly एक महीना है, उससे बहुत कम टाइम है आपके पास. तो इस एक महीने में किस तरह से आप अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, वो ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ऑल्सो ये वीडियो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है. मैं इस वीडियो में सारी वो चीज़ें कवर करूँगी. अगर किसी को सिर्फ पास होना है तो वो क्या करे, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तब क्या करना है, किसी को अगर 35 प्लस या 40 फुल स्कोर करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, वो सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है तो क्या करो, सिर्फ सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स उठाओ, काफ़ी है आपके लिए. एनसीईआरटी अभी स्टार्टिंग से करने मत बैठना, बिकॉज अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना तो एनसीईआरटी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका जो पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो इसीलिए सैम्पल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया है उसे एक बार देख लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, तो वो आप कर सकते हो. नाउ सैम्पल पेपर्स आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, सो आई हैव दिस बुक विच इज़ फ्रॉम द ओसवाल पब्लिशर्स, आई विल पेस्ट इट्स फोटो एज वेल. तो इसमें क्या है ना, आपके पांचों सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, सिर्फ मैथ्स के ही नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, पांचों सब्जेक्ट्स के आपको सैम्पल पेपर्स इसमें मिल जाएंगे. एंड काफ़ी हैं, 7 या फिर 6 ऐसे सैम्पल पेपर्स इसमें गिवन है पर सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द सोल्यूशन. सो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन गो एंड डायरेक्टली परचेज दिस. अब मैथ्स में देखो, पास होना है मैंने बता दिया, सिर्फ सैम्पल पेपर्स करो और प्रीवियस ईयर्स के जो एमसीक्यूज़ है सिर्फ उन्हीं को अभी प्रैक्टिस करना फिलहाल के लिए. अब एनसीईआरटी और आरडी शर्मा इंपॉर्टेंट हैं या फिर नहीं है, तो अगर आपने अभी तक अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको वो फिर से करने की जरूरत नहीं है. नाउ योर मेन फोकस शुड बी ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि अब जो है ना वो मेन यही है कि आप कितने अच्छे से अपने क्वेश्चन को कर पा रहे हो, बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड है. अगर आपने दूसरा ऑप्शन भी कन्फ्यूज होकर टिक कर दिया ना तो आपके वहाँ मार्क्स चले गए, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आपको फुल स्कोर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करो, ये जो 6 से 7 है ये तो डेफिनेटली करना. एंड इसके बाद जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, अगर आपने वो देखा होगा तो मैथ्स का जो लेवल आया है ना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. अगर उस टाइप का पेपर आता है ना, आराम से आप अभी से प्रिपरेशन करके भी 35 प्लस स्कोर कर सकते हो, बिकॉज पेपर जो है वो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट बनाया ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस उसमें गिवन है आपके. अब देखो, एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट मे भी आ सकते हैं, तो सपोज वो एक दो क्वेश्चंस आपको नहीं भी आए तभी भी आपने 38-37 ऐसा स्कोर कर लिया ना 40 में से, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ मेन फोकस अभी रखो कि क्वेश्चंस आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो. ऑल्सो यू कैन गो फॉर द क्वेश्चन बैंक्स, क्वेश्चन बैंक में पर चैप्टर आपको चीज़ें मिल जाएंगी. नाउ सैम्पल पेपर्स चूज़ करें या क्वेश्चन बैंक, तो डिफरेंस ये होता है ना मेन दोनों में कि क्वेश्चन बैंक में आपको पर चैप्टर मिलेगा. तो अगर आपने कुछ भी नहीं करा है तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन बैंक से आपको पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस हैं. सैम्पल पेपर में ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चंस आपको मर्ज करके गिवन होंगे, तो ये आपकी चॉइस है, आप जिस भी वे में कंफर्टेबल होते हो. अगर सैम्पल पेपर्स में ही कंफर्टेबल हो जाते हो तो वो ही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है अभी के लिए. ऑल्सो मैंने एमसीक्यू वीडियोस सारे चैप्टर्स के लिए अपलोड कर रखी है फॉर मैथ्स, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, वहाँ पे सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे. लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उसमें से भी आपके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं खाली कॉर्नर पॉइंट्स के, वो भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे. एंड रिलेशन फंक्शन के जो एमसीक्यूज आए हैं वो मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, जितने चैप्टर्स हैं फर्स्ट में जो आ रहे हैं सारे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच ऑन द प्लेलिस्ट सेक्शन. देन इसके बाद, बिकॉज आई हैव दिस बुक जिसमें हमें सैम्पल पेपर्स गिवन है, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि इसमें कोई भी एक सैम्पल पेपर मैं ले लूँगी, नॉट द सीबीएसई वन, बिकॉज उसके सॉल्यूशंस तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे. आई एम थिंकिंग कि कोई दूसरा या तीसरा सैम्पल पेपर मैं इसका लेती हूँ एंड उसको कंप्लीट आपको सॉल्व करवाती हूँ. सो डू कमेंट डाउन इफ यू वॉन्ट, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मैं ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए अपलोड करती हूँ. तो अभी ज़्यादा ना स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, अभी से भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. मैंने सारी एमसीक्यू वीडियोस अपलोड करी हैं, उसमें जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना. ऑल्सो अभी सैम्पल पेपर वाली वीडियो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगी, अक्टूबर से पहले पहले आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो इसीलिए अब मेहनत जो है ना वो आप ही की होगी. सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाता है यूट्यूब पर, बट मेन आपकी सेल्फ स्टडी ही है. सेल्फ स्टडी पर अभी से फोकस करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल. ऑल्सो इस बुक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड directly purchase this. So that's all for today's video. I hope you useful rahi ho. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. And I'll see you guys in next video. Till then, take care.